तरुणम न्यूज जो आपको रखे आगे। दोस्तों, गूगल ने आज बहुत ही खास डूडल बनाया है और इस डूडल में दिखाया गया है कि कमला सोनी के आज 112वीं जन्मदिन है और इसके लिए आज गूगल ने अपना डूडल बनाकर जो है 112वीं जन्मदिन को यहां पर समर्पित किया है। तो ऐसे में हर एक लोगों के मन में यही एक डाउट है और हर एक लोग में एक इच्छा है कि आखिर कमला सोनी कौन है। तो आज हम विस्तारपूर्वक इसके जीवनी के बारे में जानेंगे कि आखिर कौन थे और आखिर इसने ऐसे कौन से महान काज किए थे। तो कमला सोनी भारत की पहली महिला है जो PhD डिग्री को 1939 में बायोकेमिस्ट होकर अर्जित किया था। हालांकि आप तो जानते ही होंगे कि आज 70-80 साल पहले महिलाओं को पढ़ने का इतना सुविधा नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी कमला सोनी जैसे साहस महिला यह काम आज से 70-80 साल पहले ही करके दिखाया एवं भारत की पहली PhD करने वाली महिला बन गई। उन्होंने यह PhD हालांकि आज से 70-80 साल पहले किया था, लेकिन यह PhD टिकरी IIT बेंगलोर से करने के बाद बहुत सारे ने महिला भी उच्च शिक्षा में जाने का प्रेरणा अपने मन में बना लिया था। तो ऐसे में हम जानेंगे इसके जीवन परिचय के बारे में। तो अभी तक दोस्तों आप ये तो जान ही गएंगे कि कमला सोनी का जन्म अब 12 जून 1912 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ और उनके पिताजी बेंगलोर के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज के एक जाने माने केमिस्ट थे जिनका नाम नारायण राव भागवत। ये पिताजी इतना बड़ा केमिस्ट होने के कारण हुआ अपने फैमिली ट्रेडिशन में जाते हुए 1933 में BSc डिग्री लेकर ग्रेजुएशन किया, वह भी केमिस्ट ऑनर्स के साथ। हालांकि उसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से फिजिकल का भी एक डिग्री किया था। उसके बाद उन्होंने PhD करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट के साथ PhD को शुरू किया। 1939 में वह भारत की पहली महिला बन गई जो भारत से PhD किया, वह भी महिला होकर। कमला सोनी जी का मृत्यु से पहले वहाँ CGSI का उसमें भी सदस्य थे और बाद में प्रेसिडेंट भी बनाया गया। हाल ही में आज 23-24 साल पहले दिल्ली में कमला सोनी का मृत्यु हुआ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कमला सोनी कौन है एवं गूगल डूडल ने क्यों कमला सोनी का फोटो अपने होम पेज पर प्रमोट किया, इसको लेकर भी आपको इसमें बताए हैं। आशा करता हूँ कि आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कमला सोहानी का जीवनी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। इसके अलावा और भी तरह जानने के लिए और भी इस तरह के और वीडियो देखने के लिए साथ ही बहुत और भी खबर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम लगातार इस तरह की खबर और आप तक पहुंचाता रहे। मिलते हैं अगली खबर में, आप ही के लिए धन्यवाद।